ईश्वर के निकट और भगवान के प्रकार मानते हैं, वे लोग सभी भगवान के भजन करें और भगवान सभी लोग भगवान के भजन स्वामी जी। आप पूरे विश्व में घूमते हो, आप सब जगह घूमते हो, आप सब जगह घूमते हो, दूसरे देश में और यहाँ के में क्या फर्क? मैं तो विदेश में चलते ज्यादातर अधिक रूप में मैं विदेश में भ्रमण करता रहा हूँ, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड, सब जगह में जाता हूँ। किंतु ये भुज में बहुत आनंद आया, यहाँ पर लोग बहुत धार्मिक है और विशेष करके गुजरात ऐसे एक स्थान है जहाँ पर लोगों की स्वाभाविक रूप में जो है भगवान के प्रति प्रेम है। विशेष करके हमारे परम पूज्य श्री वल्लभाचार्य आकर के गुजरात देश के जो है इसे प्रेममय बना दिया है। ऐसे कई घर नहीं है, ऐसे कई स्थान नहीं है जहाँ पर भगवत भक्त नहीं मिलता है। यहाँ पर सर्व सभी जगह में सभी घर में मैं देखा ये यहाँ पर सभी लोग भगवान के भजन करते हैं, इसलिए बहुत आनंद आया और इस स्थान में प्रचार आदि प्रसार करने के लिए बहुत सरल और सुलभ लगा। बात है कच्छ भुज में आप कितनी दफा आ चुके हैं? कच्छ भुज में पहले कितनी दफा आ चुके हैं? मैं एक कच्छ में जो ये मेरा चतुर्थ बार है, फोर्थ टाइम्स मैं आया हूँ, इसमें बहुत आनंद आया। ऐसे मैं भगवान के प्रार्थना करते रहूँ जब तक मेरा शरीर चले, बार बार इस जगह में आता रहूं और लोगों के निकट भगवत कथा परिवेशन करते रहूं। अंतिम प्रश्न, आप लोगों को क्या संदेश दोगे कि हरि नाम जपने से क्या क्या मिलता है? मैं ये लोगों के संदेश देता हूं, भगवत नाम करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है और साक्षात रूप में भगवान के प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारे चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षाष्ट में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावंग निर्वापनम श्रेया कैर्व चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंद मुदी वर्धनं प्रतिपदं पूर्णम साधनम सर्व आत्म स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हमारे चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के यही समाचार दिया, एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा जीवों की उद्धार होगा, इसलिए जीवों की उद्धार के लिए एकमात्र सहज सरल पथ है नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह व्यासदेव के द्वारा रचित कलि संतन उपनिषद में स्पष्टीकरण कर दिया, यही कलिजुग में महामंत्र, इस महामंत्र के जप करने से जीव अति सहज सरल रूप में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। बात करें माधापुर में अब मठ चालू किया है, मठ शुरू किया है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या संदेश? मैं जो मठ अभी प्रारंभ किया श्री श्री राधा गोविंद गौड़ीय मठ है वैष्णव संप्रदाय, इसलिए मैं लोगों के निकट यही निवेदन करता हूँ, संदेश देता हूँ, वह पर नित्य प्रत्यह भगवत कथा, भगवत नाम चिंतन, भगवत और भागवत पाठ होती है, इसलिए मैं सभी के निकट निवेदन करता हूँ, विशेष करके हर संडे को सभी लोग पधारें और सभी लोग एक समस्त स्वर में एक साथ में होकर के नाम संकीर्तन करें और भागवत कथा श्रवण करें। विशेष करके भक्ति वेदांत साईं महाराज जिन्हें देश एवं विदेश में सर्वत्र जाकर के भगवत नाम प्रचार किया, ये स्वामी महाराज भक्ति वेदांत साईं महाराज इन्होंने हमारे गौड़ीय मठ मथुरा में ही वहीं पर थे और वहीं पर श्री भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज ने सन्यास लिया, श्री गुरुदेव नारायण महाराज जी ने उनके सारे सन्यास की पार्फेनिला बनाया और उन्हें विदेश में आकर के सर्वत्र प्रचार किया, नाम संकीर्तन प्रचार किया। थैंक्स वेरी मच।